वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार और ईडी की रिमांड में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज दिल्ली की ड्राउस एवेन्यू कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होनी है, कुछ देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। केजरीवाल को ईडी ड्राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर इस वक्त जा रही है, वो काफिला भी हम आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज ही खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली के ड्राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। ये अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की कस्टडी में है, वही काफिला यानी ईडी की टीम उनको कोर्ट लेकर जा रही है, कोर्ट में पेश ही होनी है क्योंकि रिमांड की तारीख आज पूरी हो चुकी है। लेकिन ईडी की कोशिश आज भी यही है कि एक बार फिर से तकरीबन सात दिनों की कस्टडी और मिल जाए, जिससे पूछताछ का जो दायरा है उसे ईडी और भी बढ़ाए। कई ऐसे चेहरों से पूछताछ करके क्रॉस चेक करना है अरविंद केजरीवाल की पूछताछ में, और कई चेहरों को लेकर तो ये भी कहा गया कि हम आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाले हैं। मानव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, ईडी की टीम की पूरी कोशिश आज यही है अपने तर्कों अपने दलीलों के जरिए कोर्ट को कन्विंस करना है कि एक बार फिर से कस्टडी मिल जाए। बिल्कुल, देखिए ताज़ा खबर हम दे देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में यहाँ पर लाया गया है। अब उन्हें पेश किया जाएगा 2 बजे के आसपास कोर्ट में, और राउत एवेन्यू कोर्ट के कई सारे दरवाजे हैं, कई सारे बड़े गेट हैं, और पुलिस की कोशिश ये होती है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे में उस गेट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो अमूमन खुलता ही नहीं है। तो आज भी एक बार फिर वैसा ही हुआ, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया है। और ईडी की अगर बात करें तो ईडी की कोशिश ये होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें ये कहा गया था कि अभी हमको इस मामले में कन्फ्रंट कराना है, के कविता या बाकी जो लोग हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि एक तरीके से किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में बताया था और एक बेस तैयार किया था रिमांड को लेकर। तो ऐसे में आज एक बार फिर से ईडी की पूरी कोशिश ये होगी कि रिमांड को और आगे मांगा जाए, कम से कम 7 दिन की रिमांड ईडी और मांग सकती है। तो अभी कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद है, दिल्ली सरकार के 3 मंत्री हैं, आतिशी हैं, और आपके गोपाल राय हैं और सौरभ भारद्वाज हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बच्चे भी कोर्ट में आए हैं। तो एक तरीके से मोरल सपोर्ट तो होता ही है परिवार का, लेकिन फिलहाल कोर्ट में है, सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। रीमा मानो, मैं आपका रुख करूंगी, आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, मुझे ईडी के एंगल से आपसे समझना है, बीते कुछ दिनों में यानी ईडी कस्टडी के दौरान जो पूछताछ हुई है, क्या उन्हीं बातों का आज खुलासा भी होना है, उन्हीं बातों का जिक्र भी होना है कोर्ट के सामने? क्योंकि नेक्स्ट कस्टडी जब भी आपको लेनी होती है तो आपने 7 दिन का या जितने भी दिन आपने कस्टडी में किसी शख्स को रखा है उसका इस्तेमाल कैसे किया है और क्या आपको जरूरत है या नहीं है, इसी आधार पर अगली कस्टडी मिलती है। क्या इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाना है इस वक्त कोर्ट में? जी देखिए, बिल्कुल रीमा, 6 दिन तक अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ की। आज ईडी कोर्ट को बताएगी कि इन 6 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने जांच में कितना सहयोग किया, क्या क्या चीज़ें इस जो लिकर घोटाला था उससे जुड़ी जो हैं ईडी के हाथ लगी हैं मनी ट्रेल के बारे में, और क्या क्या जानकारी जो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दी है, और आगे फर्दर किस ग्राउंड पे ईडी को और रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल की चाहिए। क्योंकि जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 6 से 7 दिन की और रिमांड जो है वो ईडी अरविंद केजरीवाल की मांग सकती है कोर्ट से आज। तो आज कोर्ट में देखना होगा कि ईडी क्या दलीलें रखती हैं और क्या कुछ चीज़ें ईडी के हाथ लगा है इस तफ्तीश के दौरान, क्योंकि के कविता भी ईडी की कस्टडी में थी, फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल चली गई हैं और उनसे भी कन्फर्म जो है कई लोगों का कराया गया। इस दौरान ईडी कोर्ट की परमिशन से समीर महेंद्रू के बयान दर्ज करने जेल भी पहुंची थी। मैं तो जरा आनंद आज कोर्ट दो वाक्यों का जिक्र करती हूं, 2 शब्दों का। ईडी की टीम ने कोर्ट के अंदर जो बीते सुनवाई के दौरान और जिस दिन 6 दिन की कस्टडी मिल गई थी, किंगपिन का इस्तेमाल किया था और इसके अलावा मनी ट्रेल का, क्या आज इसी तरीके से पूछताछ में जो बातें रखी जाएगी और उसके आधार पे ईडी की टीम और भी दिनों की कस्टडी मांग सकती है? देखिए, बिल्कुल 6 से 7 दिनों की ईडी कस्टडी मांग सकती है। और बिल्कुल पिछली बार जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था गिरफ्तार करने का, तो जो एएसजी राजू है उन्होंने सीधे तौर पर बोला था कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है और इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस पूरी जो शराब घोटाला था उसका मास्टरमाइंड जो है वो ईडी ने बताया था, और किस तरह से 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी उसकी बात ईडी ने कोर्ट में रखी थी, हवाला के जरिए पैसा गोवा पहुंचा उसकी बात ईडी ने कोर्ट में रखी थी, 45 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया था। और यही वजह है कि कल ईडी ने 3 आप नेताओं को जो गोवा से बिलोंग करते हैं उन्हें सम्मन्स भी किए थे, और आज जानकारी मिल रही कि पणजी में वो ईडी पूछताछ में शामिल होने पहुंच भी चुके हैं।
मैं आनंद आपका रुख करती हूँ। मानव भी मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, आप ये बता रहे थे कि उनके परिवार के सदस्य, उनके पार्टी के प्रमुख चेहरा वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की आपको लगता है कि क्या कम हो जाने वाली है? क्योंकि कोर्ट में याचिका भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन परेशानियां एक और नेक्स्ट लेवल की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब कहा गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, सब कुछ तय करना है एलजी को। बिल्कुल, देखिए याचिका खारिज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। याचिका जिस बेस पर, जिस ग्राउंड पर खारिज हुई है, वो हमको, हमारे दर्शकों को समझना होगा कि याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये मामला एक तरीके से राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन है और इसमें न्यायपालिका यानी जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम उसमें इंटरफेयर करें। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो याचिकाकर्ता की तरफ, याचिकाकर्ता से ये भी पूछा गया उनके वकील से, बेंच के द्वारा, कि कोई ऐसा ग्राउंड बताइए, कोई ऐसा प्रावधान बताइए कि कोई व्यक्ति हिरासत में रहते हुए गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो ये सवाल जरूर उठाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। जिन ग्राउंड्स पर वो याचिका डाली गई थी, उन ग्राउंड्स को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उस याचिका को जरूर खारिज किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो इसको लेकर जरूर ईडी कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में जरूर इस बात को, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर को भी, एक ऑर्डर को भी कोर्ट में एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील हाईकोर्ट के उस आदेश को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छह दिन के बाद आज अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है। एंगल देने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से, उनके वकील की टीम की तरफ से, इस बात का वाकई जिक्र होगा। मैं फिर से आनंद का रुख करती हूँ। आनंद, उस दिन कुछ और भी हुआ था, यानी छह दिन पहले जब ईडी ने कस्टडी में लिया था कोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल को, तो दो ऑफिसर्स के बारे में जो निगरानी की गई थी, उनके बारे में जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई थी, एक उसका भी एंगल सामने आया था। क्या इस छह दिनों के भीतर उस भी एंगल से पूछताछ हुई होगी और उसके भी चार्जेस एड किए होंगे ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर? देखिए रीमा, अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनसे पत्रकारों ने सवाल भी किया कि एलजी ने जिस तरह से कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, उस पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में जाते जाते कहा कि एक आगे बढ़ाइएगा जरा, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हम दिखा दें दर्शकों को। कोर्ट रूम फिलहाल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक 2 बजे ये सुनवाई शुरू हो जानी है। राउस रेवेन्यू कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां ईडी की टीम ईडी के स्टडी में है इस वक्त अरविंद केजरीवाल, और वो कोर्ट लेकर, ईडी की टीम लेकर जा रही है। और जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट, यानी बीते 6 दिन में जो पूछताछ हुई है उसको एक बार फिर से आधार बनाया जाएगा कि जितनी पूछताछ हुई है उसको क्रॉस कनेक्शन करना है, उसको फिर से जांचना है, उसको फिर से परखना है, कुछ चेहरों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। अमूमन देश के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में हमने यही तस्वीर देखी है, इसी तरीके का एंगल देखा है। मैं फिर से आनंद का रुख करती हूँ। आनंद, आज जो आधार बनना है, आज सिर्फ और सिर्फ यही आधार बनना है कि बीते 6 दिन में जो पूछताछ ईडी की टीम ने की है उसमें क्या क्या निकलकर बातें सामने आई है, और उसके आधार पर संभवतः आगे और भी ईडी को कस्टडी चाहिए। आनंद जी, देखिए बिल्कुल, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मंस दिए गए और उसके बाद जब 10वें सम्मंस के दौरान अरविंद केजरीवाल के घर में जब रेड हुई, उस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल को जो शराब नीति बन रही थी, शराब नीति में जो प्रॉफिट और मार्जिन की बात थी वो भी उन्हें पता थी। उनके घर में आरोपियों की मीटिंग हुई और एक तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से जानते थे कि किस तरह से साउथ लॉबी को या जो बाकी शराब कारोबारी है उन्हें इस शराब नीति से फायदा पहुंचने वाला है और किस तरह से जो फंड है वो पार्टी पे आने वाला है, उसका चुनाव में इस्तेमाल होना है। ये तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और इसी को आधार बनाकर जो ईडी है उसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। कोर्ट में ईडी ने बड़ा दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पूरे इस शराब घोटाले के किंगपिंग है, मास्टरमाइंड है और आम आदमी पार्टी एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। तो ये तमाम चीजें इशारा करती है कि ईडी के पास मनी ट्रेल थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जब मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करने के लिए ईडी पहुंची थी तो उन्होंने बताया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल जो है, जिसकी तफ्तीश के दौरान जांच में ये चीजें सामने आई है ईडी के। तो ईडी ने ये तमाम चीजों को कॉन्क्रीट करके ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी है और अरविंद केजरीवाल से इन्हीं मनी ट्रेल को लेकर, साउथ कनेक्शन को लेकर, के कविता को लेकर, जो
बाकी लोग जो इसमें गवाह बन गए थे, उन्होंने जो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए हैं तीन लोगों ने, उन तमाम सबूतों को रख के पूछताछ की गई थी। लेकिन जो ईडी सूत्र बता रही है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। वो पहले भी कहते रहे हैं कि उनको जो संबंध थे वो गैर संवैधानिक थे और कानून संगत नहीं थे, लेकिन ईडी की अपनी दलील थी। ईडी कहना है कि कानून संगत ही उनकी गिरफ्तारी की गई है और कानून संगत उन्हें तमाम मौके दिए गए, करीबन 9 बार उन्हें समन्स किए गए, वो हाईकोर्ट तक गए और जब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो रीमा आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी, कुछ देर के बाद जब साहिबा अपनी कुर्सी पे बैठेंगी उसके बाद सुनवाई शुरू होगी और देखना होगा कि ईडी क्या दलीलें वहां पे रखेगी कोर्ट के सामने। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ आनंद, मेरे साथ मानव लगातार बने हुए हैं। मानव, देश के हाई प्रोफाइल केसेस को जब भी हमने बारीकी से देखा है, उसके फैसले को, उसके तर्क को, उसके दलीलों को या एएसजी के तर्कों को, तो हमें हमेशा यही पता चला है कि कोर्ट में कुछ नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ सबूत चलते हैं। और वही सबूत दिखाकर ईडी की टीम ने बीते 6 दिन पहले कस्टडी ली थी और आज भी क्या एएसजी के तरफ से उसी तरीके से तर्क रखे जाएंगे, जिसमें हमने देखा मनी ट्रेल, किंग पिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और साउथ लॉबी कनेक्शन भी ऐड किया गया। मानव, देखिए जाहिर सी बात है कि ईडी अपनी तरफ से वो सारे तर्क रखेगी जिससे उन्हें और आगे रिमांड मिल सके। लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे थे तो उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उपराज्यपाल ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका जवाब जनता देगी। तो इस तरीके से एक बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में दाखिल हुए हैं। अभी जज अपने चैम्बर में है, कोर्ट अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं रीमा, वो बात जरूर, देखिए ईडी ने लगातार ये कहा है कि इस पूरे मामले में पहले एक तरीके से मनीष सिसोदिया को किंग पिन बताया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास बेशक कोई मंत्रालय नहीं है लेकिन वो दिल्ली सरकार के कर्ता धर्ता हैं, मुखिया हैं, सरकार के चेहरे हैं। ऐसे में ईडी पूरी तरीके से ये साबित करने की कोशिश, आज एक बार फिर से ये बात रखने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ये सब कुछ हुआ था और अरविंद केजरीवाल की जो उनके जो करीबी लोग हैं उनकी देखरेख में तमाम साउथ लॉबी के साथ जो बैठकें हुई हैं उसमें ये सारे निर्णय लिए गए कि एक ऐसी आबकारी नीति बनाई जाए जिससे कि साउथ के लोगों को आबकारी नीति के जरिए शराब के ठेके दिल्ली में दिए जाए, उसके बाद उन्हें कई गुना मुनाफा हो और 100 करोड़ रुपए उनको पहले से एडवांस में दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें रखकर ईडी एक तरीके से वो बेस बनाएगी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो ईडी रिमांड है उसको और आगे बढ़ाया जाए। रीमा जी, मैं मानव आपका रुख करती हूँ, आनंद हमारे साथ है। आनंद, देश के किसी भी हाई प्रोफाइल नेता पे जब भी इस तरीके का सीबीआई, ईडी, एनसीबी किसी का भी एक्शन हो तो एक सुर में यही कहा जाता है कि ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि हमेशा जमानत तो कोर्ट की तरफ से दी जाती है, तो फिर इन नेताओं को अभी तक जमानत क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई लेकिन याचिका खुद ही अरविंद केजरीवाल की टीम ने वापस ले ली। इसके अलावा इनके जितने भी मंत्री गिरफ्तार हुए आज तक किसी को भी जमानत नहीं मिली। आनंद, देखिए बिल्कुल, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, सत्येंद्र जैन को लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाते रहे, उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे जरूर उन्हें जो है अंतरिम राहत मिली थी लेकिन जब उन्होंने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो उनकी वो जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। यही कुछ मनीष सिसोदिया के केस में देखने को मिला, जब मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली और करीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। अरविंद केजरीवाल भी उनकी गिरफ्तारी के वक्त पहले जब ईडी की टीम उनके घर पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। तो लगातार देखिए आरोपी के पास अपने कानूनी अधिकार होते हैं और उन कानूनी अधिकारों का प्रयोग भी लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है वो लगातार कर रही है लेकिन ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ही लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के ही मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, के कविता को गिरफ्तार किया गया, 16 जो आरोपी थे इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई, 3 लोग जो हैं वो सरकारी गवाह बने, अप्रूवल बने और उनके तमाम लोगों के बयानों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन्स दिए गए। जब 9 बार समन्स पर पेश हुए तब उनके घर में सर्च ऑपरेशन किया गया। तो पहले भी दर्शकों के सामने कह चुकी हूं कोर्ट में कुछ नहीं चलता, सिर्फ सबूत चलता है, सबूत जिसके पास वो कोर्ट को कन्विंस कर सकता है। और इस बीच में जरा दर्शकों को सुना दूं कि आज अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट रूम जा रहे थे तो उन्होंने कहा क्या जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा एलजी को लेकर, तो एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल का एलजी सेइंग कहना है कि जनता इसका जवाब देगी। एक बार फिर सुनिए आप।
अरविंद केजरीवाल से सवाल ये पूछा गया कि कोर्ट में जो आज कुछ हुआ उसको लेकर, या एलजी ने जो कमेंट किया है, एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। अरविंद केजरीवाल ने कहा जनता इसका जवाब देने वाली है। ये कोर्ट रूम जाते हुए अरविंद केजरीवाल से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था, सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है जनता इस। एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है जनता इसका जवाब देगी। सवाल बहुत साफ है, एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, जवाब क्या दिया अरविंद केजरीवाल ने? जनता इसका जवाब दे देगी, यही दो टुक कह के वो आगे बढ़ चुके हैं। अब कोर्ट रूम में क्या कुछ होता है, 1:57 हो चुका है, महज 3 मिनट के बाद कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जानी है।